रामचंद्र प्रधान जी, पवन सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रबंधक क्षेत्रीय गांधी आश्रम लखनऊ सकलेश उपाध्याय जी, महामंत्री श्री अरविंद श्रीवास्तव जी, व्यवस्थापक श्री राम वृक्ष पांडे जी, सरजीत तिवारी जी, यशवंत सिंह जी, गांधी आश्रम से जुड़े हुए सभी अन्य सम्मानित सदस्यगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज कृतज्ञ राष्ट्र भारत की आजादी के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रति, राष्ट्र के लिए और मानवता के लिए उनके योगदान के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन कर रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस पावन पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती और प्रधानमंत्री जी के पावन जन्मदिन से प्रारंभ हुआ सेवा पखवाड़ा का यह कार्यक्रम आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इस पावन जयंती तक निरंतर चल रहा है और प्रातःकालीन सत्र में अभी कुछ देर पूर्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जिन मूल्यों के लिए, जिन उद्देश्यों के लिए भारत के स्वावलंबन, भारत के स्वदेशी और स्वच्छता के जिन अभियानों को आगे बढ़ाया था, उन प्रमुख उद्देश्यों में से एक स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत मुझे इस कार्यक्रम के साथ यहां जुड़ने का एक अवसर प्राप्त हुआ। स्वच्छ भारत मिशन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्वच्छता के प्रति उन अभियानों को एक नई ऊंचाई देना है जो न केवल आज से 100 वर्ष पहले बल्कि आज भी जिनकी प्रासंगिकता उसी रूप में बनी हुई है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, जिस मिशन को उन्होंने 10 वर्ष पहले प्रारंभ किया था, आज वह एक नई ऊंचाई को प्राप्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। देश के अंदर 12 करोड़ से अधिक घरों में शौचालयों का निर्माण, ये न केवल स्वच्छता के प्रति उनके आग्रह को बल्कि नारी गरिमा के गौरव को बढ़ाने का एक अभियान भी है। नारी सशक्तिकरण के बगैर आप समाज को सुदृढ़ नहीं कर सकते, स्वावलंबी नहीं बना सकते। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जो ये महत्वपूर्ण वचन थे, स्वच्छता के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए,